सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपने यूटी फर्स्ट के सैंपल पेपर का अभ्यास करेंगे। यह हमारा सैंपल पेपर फर्स्ट है। यह कक्षा 5 का सैंपल पेपर है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आपके यूटी फर्स्ट तक का सभी कार्य करा चुकी हूँ, उसमें हो सकता है आपके लिए कोई कार्य छूट गया हो, लेकिन उम्मीद है वह कार्य आपकी शिक्षिकाएँ करा चुकी हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में आपका स्व परिचय वाला भाग नहीं कराया था, लेकिन आपकी सभी टीचर यह कार्य आपको करा चुकी हैं। यदि नहीं भी कराया है तो हम अपने इस परीक्षा में इसको समझ लेंगे और तभी इसको समझने के बाद करेंगे। यह आपका सैंपल पेपर है। इसकी तैयारी आप अपनी सभी वीडियो को देखकर पहले कर लीजिए। अच्छी प्रकार तैयारी करने के बाद ही आप अपने सैंपल पेपर फर्स्ट को करेंगे। यह पेपर आपको बिना किसी सहायता के करना है। इसको आप अपनी परीक्षा के रूप में ही समझ लीजिए। इसके लिए आपके 1 घंटे का समय निश्चित होता है और यह आपका 20 नंबर का पेपर होता है। इस पेपर को करते समय आप बिल्कुल अपने आप को परीक्षा हॉल के समान ही कहीं अलग रूम में बैठ जाइए और इस पेपर को बहुत ध्यान से हल कीजिए। इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपकी, प्रश्न नाम उत्तराणी आम अथवा ना लिखंतु। ये जो आपके प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके सामने आपको आम या ना में उत्तर देना है। यह आपके 2 अंक कर है। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न हैं। इसका अर्थ है कि आपका हर प्रश्न आपका आधे अंक का होगा। किम नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना जंतुशालां गच्छति। क्या नवीन प्रवीण समृद्धि नीना जंतुशाला गए थे? जंतुशाला वाला पार्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है अपनी जंतुशाला वाले पार्ट की, तो आप उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि जंतुशाला वाला पार्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। उसी पार्ट में आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आप जब अपने पेपर को करेंगे तो आप अपने किसी भी वीडियो का या पुस्तक का सहारा नहीं लेंगे। जो भी आपको तैयारी करनी है, यदि आप वीडियो से तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, और यदि आप अपनी पुस्तक से तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप अपनी पुस्तक से तैयारी कर लीजिए। पूरी तैयारी करने के बाद ही आप अपने सैंपल पेपर को हल करेंगे। किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति। क्या प्रभात वेला का आपका जो सुबह का समय होता है उसको कहते हैं कि क्या प्रभात वेला सुख देने वाली है? किम जंतुशालां अनेके जीवः सन्ति। क्या जंतुशाला में बहुत सारे जीव हैं? किम सूर्य प्रभात वेलायाम न उदिता भवति। क्या सूर्य सुबह के समय नहीं उदित होता? तो इसमें आपके आम अथवा ना में इनको उत्तर आपको लिखने हैं। इनके उत्तर लिखने के लिए आप अपनी वीडियो को रोककर भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं अपनी संस्कृत में, या आप अपनी कॉपी में अलग से सैंपल पेपर के नाम से यह सभी प्रश्न पहले उतार लीजिए, उसके बाद अपने इस पेपर को हल कीजिए। जैसा आप चाहें ऐसा आप कर सकते हैं। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देने हैं। मैं आपको केवल हिंदी आपकी सहायता के लिए समझा रही हूँ। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, पंच वाक्य संस्कृते स्व परिचय लिखंतु। 5 वाक्यों में आपके संस्कृत में अपना स्वयं का परिचय लिखना है। इसके लिए आपके 2.5 अंक निर्धारित है। यह आपकी शिक्षिकाएं आपको करा चुकी होंगी। यदि नहीं भी कराया है तो आप इसको यहीं पर समझकर अपने आप स्वयं कर सकते हैं। मम नाम यहाँ पर आपका जो नाम है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, वह भी संस्कृत में। यदि आप लड़की हैं तो आप अपने स्त्रीलिंग वाले शब्द का प्रयोग करते हुए, जैसे आपका प्रथम विभक्ति एकवचन में शब्द बनेगा, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए अपना नाम लिख देंगे। लेकिन यदि आप लड़के हैं तो आप अपने प्रथम विभक्ति एकवचन के शब्द के अनुसार अपने नाम को लिखेंगे। आपका नाम अकारांत है या आकारांत है, यह आप स्वयं देखिए। आपके अकारांत का क्या नाम रूप होता है और आपका आकारांत का क्या नाम रूप होता है, यह आप अपने अकारांत आकारांत शब्द रूप के रूप में पहले ही सीख चुके हैं। मम पितुः नाम। मम का अर्थ होता है मेरे, पितुः का अर्थ आपका षष्ठी विभक्ति का यह शब्द है,
का नाम नाम, मेरे पिता का नाम, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिख देंगे। पिता का नाम भी आप उसी प्रकार लिखेंगे कि आप अपने पुल्लिंग वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रथम विभक्ति एक वचन में अपने पिता का नाम लिखेंगे। मम मातुः नाम, मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी या मेरे, यह आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है जो आपके का के की या रा रे री वाले चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो आपका मातु जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर मेरी शब्द प्रयोग होगा और यहाँ पर आपका जो मम का अर्थ होगा वह मेरे प्रयोग होगा। मातु, मातु आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है, तो इसका अर्थ आपका का, माता का, नाम नाम, मेरी माता का नाम, यहाँ पर आप अपनी माता का नाम लिख देंगे। वह आप सभी नाम स्त्रीलिंग के होंगे, तो आप स्त्रीलिंग वाले प्रथम विभक्ति एक वचन के अनुसार अपनी माता का नाम यहाँ पर लिख देंगे। मम विद्यालय से नाम, मेरे विद्यालय का नाम, आप सभी डीएवी के छात्र हैं, तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर डीएवी डालकर और जो आपके स्कूल का स्थान नाम है वह भी साथ में लिखेंगे। मम निवास स्थानम, मम का अर्थ होता है मेरा, निवासम स्थानम, निवास स्थान, यहाँ पर आप अपने निवास स्थान वाले क्षेत्र का नाम लिखेंगे। इसमें आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं या अपने जिले का नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने संस्कृत में स्व परिचय लिख सकते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। एक बार आप इसको हिंदी में दोबारा समझ लीजिए। मेरा नाम, मेरे नाम में आप अपना स्वयं का नाम लिखेंगे। मेरे पिता का नाम, आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम आपका पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द में होगा। मेरी माता का नाम, माता का नाम आपका स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन वाले शब्द में होगा। मेरे विद्यालय का नाम, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम जो आपका डीएवी विद्यालय है उसमें आप अपने स्कूल के स्थान का नाम भी लिखेंगे। मेरा निवास स्थान कि मैं कहाँ रहता हूँ, यह आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं और अपने क्षेत्र का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शब्दानाम अर्थम लिखन्तु, शब्दों के अर्थ लिखिए। यह है आपका 4 अंक का प्रश्न है। इसमें आपके 8 शब्द दिए हुए हैं, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। हर शब्द का आपका आधा अंक निर्धारित है। यह है शब्द अर्थ आपको आपके जब आपने पाठ पढ़ा होगा तब आपको समझाए गए होंगे। यदि आपने इन पर ध्यान नहीं दिया है तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोबारा अपने पाठ को पढ़ लीजिए और सभी शब्दों पर ध्यान दीजिए कि उनका क्या अर्थ है। आप अपनी वीडियो देखकर इनको बहुत ध्यान से कर सकते हैं, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको अपना सैंपल पेपर नहीं करना है। पहले आप वीडियो देखिए, पूरी तैयारी कीजिए, उसके बाद ही आपको अपना सैंपल पेपर करना है। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एतेषां शब्दानां संस्कृतं लिखन्तु, यह जो आपके शब्द दिए हुए हैं इनकी संस्कृत आपको लिखनी है। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। यहाँ पर आपको जो पशुओं के नाम दिए हुए हैं यह है आप अपनी जंतुशाला वाले पाठ से भी सीख सकते हैं या उससे पहले जो आपने द्वितीय पाठ किया था उसमें भी आपके सभी पशुओं के नाम संस्कृत में दिए हुए हैं। तो आपने अपना पाठ बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप इनको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यदि आपको अभी यह नाम याद नहीं है तो आप पहले अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपना द्वितीय पाठ समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप इसको बहुत ही आराम से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतेषां प्रत्यय योजित्वा धातु रूप निर्माणं कुर्वन्तु, इन प्रत्ययों को जोड़कर धातु यह निर्माण आपके कीजिए। चल धातु लट लकार के यहाँ पर रूप आपको बनाने हैं। यह मैं आपको पहले ही आपकी लट लकार वाले धातु रूप में सिखा चुकी हूँ। इसकी भी वीडियो आपके चैनल की प्लेलिस्ट में पहले ही पड़ी हुई है। उम्मीद है आप उसको पहले ही देखकर अपने धातु रूप बनाना सीख चुके होंगे। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको इन प्रत्ययों में अपने चल धातु को प्लस करके अपने धातु रूप बनाने हैं, वह भी आपके चल धातु लट लकार के।
लट्लकार आपका वर्तमान काल होता है। यह आप अपनी उस धातु वाली वीडियो से बहुत ही आराम से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपकी, एतेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा कोऽपि चत्वारि वाक्य निर्माण कुर्वन्तु। यहाँ पर जो आपके है शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 शब्द प्रयोग करके आपको 4 वाक्य बनाने हैं। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। यह कार्य आप अपने पार्ट 2 से भी सीख चुके हैं, क्योंकि उसमें आपकी क्रियाएं और आपके पशुओं या पक्षियों के नाम आए हुए हैं। वह पशु पक्षी आपकी कौन सी क्रियाएं करते हैं, यह आपको मैं उस पार्ट में पहले ही करा चुकी हूँ। आप यहाँ से अपने वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। आप पहली बार संस्कृत से परिचित हो रहे हैं, थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है कि आप इसको ना कर सकें। संस्कृत आपकी बहुत ही सरल और मधुर भाषा है, इसको यदि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो यह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप अपने सैंपल पेपर को करने के बाद इसका मिलान करेंगे। मिलान करने के लिए आप अपनी वीडियो से भी इसका मिलान कर सकते हैं, या आपने जो अपनी पुस्तक में कार्य किया होगा उससे भी आप मिलान कर सकते हैं। मिलान करने के बाद आप कितने अंक प्राप्त करते हैं यह आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, उचित शब्देन मेलनम कुरुत। उचित शब्दों का मेल यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर आपका का भाग है, यह आपका खा भाग है। का वाले भाग से आपके खा वाले भाग का मेल आपको करना है। यह आपका 2 अंक का प्रश्न है। आप अपने द्वितीय पाठ में इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर किस की क्या विशेषता है यह आपका इसमें मेल करना है। जैसे आपका गर्दभा, गर्दभा का अर्थ होता है आपका गधा। कुकरहा, कुकरहा का अर्थ होता है आपका कुत्ता। वानरहा, वानरहा का आपका अर्थ होता है बंदर। विड़ालहा, विड़ाला का अर्थ होता है आपका बिल्ली। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं यह आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, इससे आपको मेल करना है। यदि आप पहली बार में अपने पेपर को हल नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी वीडियो से पहले तैयारी कीजिए और दोबारा अपने पेपर को हल कीजिए। जितने आप उसके बाद अंक प्राप्त करते हैं आप उनको कमेंट्स में लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, भवतः भवत्यः गृहे अस्ति नास्ति इति लिखन्तु। भवतः का अर्थ आपका पुल्लिंग में जो लड़के होते हैं उनके लिए आप होता है, और भवत्याः आपका स्त्रीलिंग में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए आप होता है। इन दोनों का अर्थ आप के रूप में प्रयोग होता है कि आपके घर में अस्ति नास्ति यह जो वस्तुएं दी गई हैं यह आपके घर में है या नहीं है, इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। यह आपका 2 अंक का प्रश्न है। यदि आपके घर में यह वाली वस्तुएं हैं तो आप इसके सामने अस्ति लिखेंगे, यदि आपके घर में ये वस्तुएं नहीं हैं तो आप उसके सामने नास्ति लिखेंगे। जैसे आपका घटी का अस्ति घड़ी है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह लगा हुआ है कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आपके घर में घड़ी है। यदि आपके घर में घड़ी है तो आप इसके सामने अस्ति लिख सकते हैं, यदि आपके घर में घड़ी नहीं है तो आप इसके सामने नास्ति लिखेंगे। आपको सभी कार्य अपना संस्कृत में करना है, हिंदी में केवल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। चित्रम अस्ति चित्र है, यदि आपके घर में चित्र है तो आप उसके सामने अस्ति लिखेंगे, यदि आपके घर में चित्र नहीं है तो आप नास्ति लिखेंगे। घटा अस्ति, घटा का अर्थ होता है आपका घड़ा। अस्ति माने है, क्या आपके घर में घड़ा है, यदि आपके घर में घड़ा है तो आप इसके सामने अस्ति लिखेंगे, यदि आपके घर में घड़ा नहीं है तो आप इसके सामने नास्ति लिखेंगे। पाद त्राणम अस्ति, पाद त्राणम का अर्थ होता है आपके जूते। अस्ति माने है, क्या आपके घर में जूते हैं, यदि आपके घर में जूते हैं तो आप इसके सामने अस्ति लिखेंगे, यदि नहीं है तो आप इसके सामने नास्ति लिखेंगे। यह सैंपल पेपर आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि जो मैं आपके लिए सैंपल पेपर बना रही हूँ यह आपकी परीक्षा का केवल अभ्यास है। आप पहली बार संस्कृत से परिचित हो रहे हैं, आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, उससे आपको घबराना नहीं है। अपनी परीक्षा की तैयारी आप अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 5 की जो आपका UT1 का सिलेबस है उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं जो आपको वीडियो दे रही हूँ
वह आपकी यूटी के अनुसार ही दे रही हूँ। अब तक मैंने आपको जो कार्य आपकी वीडियो में कराया है वह सभी यूटी वन का ही कार्य है। उसमें आपकी कुछ अभी वीडियो बची हुई है, जैसे आपकी वस्तुओं के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, उसकी वीडियो मैं आपको धीरे धीरे बीच में देती रहूंगी। इस सैंपल पेपर को करने के लिए नियम आपके ऐसे ही होंगे जैसे आपकी परीक्षा में होते हैं। आप अपना 1 घंटा निर्धारित कीजिए और उसी 1 घंटे के अंदर आप अपने सैंपल पेपर को हल करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।